मुंबई के सबसे बड़े त्यौहार के उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जैसे कि एक महीने पहले से यहां की तैयारियां होने लगती है। और मैं आपको सबसे बड़े वर्कशॉप में भी लेके चलने वाला हूं, और ये भी बताने वाला हूं कि आप सोसाइटी के लिए, घर के लिए कहां से प्यारी प्यारी मूर्तियां ले सकते हैं। और इसी वीडियो में लालबाग चा राजा मंडप, चिंचपोकली चा चिंतामणि का मंडप के बारे में भी अपडेट देने वाला हूं। तो कहिए गणपति बप्पा मोरया। तो ये वर्कशॉप तक पहुँचने के लिए मैं अपने डेस्टिनेशन से ट्रेन पकड़ के परेल रेलवे स्टेशन आ जाता हूँ। वहाँ से 5 मिनट वॉकिंग करते ही मुझको परेल सब दिखता है, जहाँ पे आगमन के काफी सारे पोस्टर लगे हुए थे। भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनका जिनका आगमन है वो सारा यहाँ पे पोस्टर लग चुका है। अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं मूर्तियों का कितना काम हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपटीशन है वो भी पोस्टर लगा है। इस बार परेल वर्कशॉप के मेन गेट पे आपको ये ग्रेजुएट वड़ा पाव का पोस्टर देखने को मिल जाएगा, जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ये लोग। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो ग्रेजुएट वड़ा पाव है वो भाईखल्ला स्टेशन के जस्ट सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा। अंदर एंट्री करते ही हमको आगमन के बहुत सारे पोस्टर देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ताड़देव चा इच्छा पूर्ति का यहाँ पे ट्रॉली सेट हो चुका है, और ये पूरा कारखाना है। ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं धरावी चा सुखकर्ता है, और इनका जो है अभी आगमन बहुत चर्चित में है, 15 अगस्त को होने वाला है, तो आप भी आगमन का जरूर हिस्सा बनिएगा। तो ये सामने जो आप खाली एरिया दिख रहे हैं पूरा, यहाँ पे बप्पा का ट्रॉली लगता है, यहाँ पे पूरा बप्पा का ट्रॉली लगाया जाता है। तो मैं अभी परेल वर्कशॉप से आ चुका हूँ, और यहाँ से सीधा आगे चलता हूँ और गन संकुल वर्कशॉप में, वहाँ पे देखते हैं क्या मूर्तियों का अपडेट है, कितना डेकोरेशन हो चुका है, कितना मूर्तियों को फिनिशिंग दे चुके हैं। तो यहाँ से चलते हैं आगे, उसके बाद चल के आपको वो कारखाना में दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरा रोड खाली है, जैसे मूर्तियों का आगमन होगा ये पूरा रोड ट्रैफिक जाम हो जाएगा, पूरा रोड पे जाम लग जाता है। ये जो सामने देख रहे हैं ये गन संकुल कारखाना है, यहाँ से सारे बड़ी मूर्तियों का आगमन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टर लगा है, वो सब गणपति का आगमन यहीं से होने वाला है। और गन संकुल के अपोजिट में ही आपको वीर महल देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो अभी देख सकते हैं वीर महल, ये पूरे गणपति का आगमन का हॉटस्पॉट है, यहीं पे सारे गणपति का आगमन होता है यहीं से। आप देख सकते हैं ये लोकेशन आपको याद रखना होगा, यहीं पे आना होगा, सारे गणपति का आगमन आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो सामने पूरा आपको रोड दिखाई दे रहा है ये तो भाई साहब पूरा जाम होने वाला है, जैसे गणपति का आगमन होना स्टार्ट होएगा ना वैसे पूरा ये जाम हो जाएगा। अभी देख सकते हैं ये गणेश गली है, जहाँ पे मंडप अभी थोड़ा बहुत रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं पूरे लालबाग चा राजा का एरिया है, जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगा पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा रास्ता। ये आप सामने देख सकते हैं लालबाग चा राजा का पूरा मंडप अभी डेकोरेट किया जा रहा है बाहर से, अभी जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगा वैसे प्रॉपर डेकोरेशन हो जाएगा। चिंचपोकली रेलवे स्टेशन से जैसे ही ईस्ट साइड आप उतर के आएंगे, वैसे आपको गणपति के छोटे छोटे जो मूर्तियां होती है बहुत सारे यहाँ पे कारखाना है, छोटे छोटे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, जहाँ प्यारी प्यारी बहुत सारी मूर्तियां हैं, जिसको आप घर में बिठा सकते हैं, सोसाइटी के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहीं पर चिंतामणि का मंडप भी है, तो वो भी आपको लेके चलता हूँ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप प्यारी प्यारी मूर्तियों का दर्शन कर लीजिए।
चिंचपोकली का चिंतामणि का मंडप है जो कि स्टेशन के जस्ट बगल में ही है चिंचपोकली के, आप देख सकते हैं। अभी आपको दोनों कारखाने का अपडेट दे चुका हूं। अगर आपको गणपति में पूरे गणपति में ऐसे ही वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए प्लेस नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।